अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा ज़बरदस्त न्यू व्लॉग आया है, बहुत ही धमाकेदार। और ये मैं धमाकेदार इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत प्यारी यादें हैं हमारी, जब हम पाकिस्तान से इंग्लैंड आए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू। तो जब अब हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें बहुत सारी नई उम्मीदें, नई उमंगें और नई ख्वाहिशात के साथ साथ थोड़े से जो अपनों से बिछड़ने का दुख है वो भी इसमें शामिल है। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जी सुबह सहरी का टाइम है। हम रात को ही अपनी खाला की तरफ इस्लामाबाद आ गए थे। रात को हमने वहाँ पे स्टे किया। सुबह कुछ भी खाने का दिल नहीं किया, पता नहीं ये एक्साइटमेंट थी या टेंशन थी, पता नहीं चला, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया और हम रवा दवा हैं जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब। और अब हम तकरीबन उसमें एंटर हो गए हैं और मेरे अब्बू जो हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, साथ में मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, साथ में मेरी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, साथ में जो गाड़ी है मेरी मुमानी और मामू जो मेरे सास ससुर भी हैं उनकी भी साथ में गाड़ी आ रही है। तो हम और जो दूसरी गाड़ी है वो मेरा कज़न वली ड्राइव कर रहा है। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब और अब हम पहुँच गए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो जो बिल बोर्ड होता है वो नज़र आएगा। और देखिए हमारा मुल्क कितना प्यारा है माशाल्लाह से। ये जो सामने वाली गाड़ी है ये मेरे मामू की गाड़ी है। अब जी मैं बोर्डिंग और सारे मसलों से निकल के तो हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने प्लेन के आने का और हमारा उस पर सवार होने का। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होके तो बड़ा वेट कर रहे हैं। कतर एयरवेज़ के थ्रू हम लोग गए थे और मैं कतर एयरवेज़ के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे इनकी सर्विस है। ये जी हमारा जहाज़ है जो खड़ा हुआ है, हमारा वेट कर रहा है और हम उसका वेट कर रहे हैं। जी आप क्या खा रहे हो? और आयशु आप? चॉकलेट। हम एरोप्लेन पे बैठे हैं। आराम से आयशा, इधर इधर मेरे साथ रुक। रुक जा। चल आयशा आपी का फिंगर पकड़ो। आयशा गुल इसके फिंगर पकड़ो। चलो आयशा वो बच्चों के साथ थोड़ा स्लोली जाना होता है। थोड़े मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं। चलो बी केयरफुल। आ जाओ आगे मेरे से आगे चलो आप लोग।
हम एरोप्लेन में बैठने लगे। चल 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 कौन से देखने कौन से ये वाले हैं ये वाले चलो ये हेडफोन लगाओ ये देखो इसमें आवाज आ रही है ऐसे ऐसे डाल ओके इधर इधर आ रही आवाज आयशु आप नहीं देख रही वीडियो नहीं देख रही आप वो एरोप्लेन उड़ने लगा है बिल्कुल उड़ने लगा सीट बेल्ट बांधी भी आपने बस उड़ने लगा उधर देखो ना बाहर देखो हिल रहा है चल दे चल नहीं रहा थोड़ा थोड़ा चल रहा है ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स विद लिथियम बैटरीज इन योर कैबिन बैग दिस इंक्लूड्स पावर बैंक्स एंड एनी स्पेयर बैटरीज ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मस्ट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इन सीट पावर ड्यूरिंग टैक्सी टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लीज टेक केयर नॉट टू लेट देम फॉल डाउन द साइड ऑफ द सीट एंड इफ यू नोटिस एनी डिवाइस ओवरहीटिंग प्लीज नोटिफाई अ मेंबर ऑफ द कैबिन क्रू इमीडिएटली For more information, please visit QatarAirways.com. Okay, ladies and gentlemen, if you're using a protective mask due to the current COVID-19 pandemic, I'd be sure that you remove your face mask prior to putting the drop down oxygen mask during the decompression. Thank you. Hi. वेट कर रहे हैं बाहर आप लोगों का सीधे बैठो वो हमें देखेंगे बाय बाय करेंगे दूर से वहाँ पे खड़े हुए होंगे अभी बैठो रहो आप बैठे रहो बेल्ट लगी हुई आपने उठना नहीं ओ खोल दिया ना बेल्ट इधर दो व्हाट इज दिस एंड आयशा ज़ोहा दिस इज फॉर यू ज़ोहा So this is for you. ये आपके लिए ये आपका इसमें भी ऐसे ही है खोलो इधर से खोलो इधर से खोलो कलरिंग करेंगे ना आपने भी उसमें रखी है ना आपके बैग में कलरिंग बुक्स हैं आयशा को बाहर देखो हमारा एरोप्लेन उड़ने लगे सीधे बैठ के पीछे बैठे रहो आयशा सीधे बैठे रहो ऐसे
उड़ने लगे, देखो चल रहे ना, चल रहा है ना, अभी चल रहा है सिर्फ, अभी बस चल रहा है। और आप लोगों की वीडियोस लगी हुई हैं। ओके सॉरी, बैठो 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 बैठो, पीछे होके बैठो, अब चल रहे चल रहे चल रहे, पीछे होके बैठो रोहा, अभी पीछे होके बैठो, बस उड़ रहा उड़ रहा है वो, देखना वो भी चल चल रहा, कर रहे कर रहे, बैठे रहो आयशा, पीछे होके बैठो, क्यों नहीं उड़ रहा, क्यों नहीं उड़ रहा, उड़ रहा ऐसे को, इसको भी दो, मैं कलर करूं खेल, आपको भी देते हैं, नो 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 नो, दिस इज बेल्ट, वो देखो ना हम फ्लाई करने लगे, पानी उनको कहा तो है मैंने, आप ये देखो ना कार्टून देखो, आप ये वाले ये कार्टून आपके लिए लगाए हैं, ये कितने अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा मैं आपको दूसरे निकाल के देती हूँ, दूसरे निकाल के दूँ, मैं नाना बुजुन जो लेके दिए थे वो निकाल के दो, एकदम एरोप्लेन चल लेना फिर मैं निकाल के देती हूँ, वो इतनी प्यारी बुक है ना कलर में, हाँ थोड़ी देर इसको दे दो, हाँ कलर है उसको दे दो, देखना वो नीचे ना गिरे, उसको थोड़ा इधर अपने पास कर लो, आयशु आपकी बेल्ट सही लगी हुई है, ठीक है, ऐसा आपकी भी, नो फेंकनी नहीं कोई भी चीज, नो अब फेंकना नहीं है बिल्कुल, वो देखो हम उड़ने भी हम ऊपर वो उठ गए ऐसे, लेकिन सीधे ही बैठे रहो, थैंक यू, पीछे होकर बैठे रहो थोड़ी देर, थोड़ी देर डिब्बा मैं देती हूँ, मैं देती हूँ निकाल उठा के देती हूँ, अभी देखा था हम ऊपर उड़ने लगे हैं ना, तो इसलिए आराम से भी बैठना है, उड़ गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
आहिस्ता बोलो आहिस्ता। इधर लगा लो।
जी कतर एयरवेज का खाना बहुत मज़े का था। इसमें तीन डिफरेंट डिशेस थी, तो हमने तीनों जो है ना डिफरेंट लिए थे ताकि हम सब ट्राई कर सकें। तो एक चिकन के साथ थे, राइस थे बिरयानी की तरह, और एक में वो चीज़ थी, और एक में आई थिंक मशरूम्स थी। इनकी तीन डिफरेंट चीज़ें थी, एक में बीफ था सॉरी। तो ये, और फिर हमने जूसेस भी डिफरेंट लिए थे, और बड़ा अच्छा मज़े का खाना था। हमारी इस्लामाबाद से दोहा में थी फ़्लाइट, वहाँ पे एक घंटे का स्टे था। एक घंटे में बस ये है कि हमारा ट्रांसफ़र हुए थे हम एक जहाज़ से दूसरे में, मतलब कि वहाँ पे स्टे नहीं हुआ था, वो एक घंटा बहुत थोड़ा सा था। तो उसके बाद जो है ना वहाँ से दोहा से हमारा हीट थ्रो का लंदन का वो थी फ़्लाइट। अब जी हमारी फ़्लाइट चेंज हो गई और हम कतर से दोहा से जो है हीट थ्रो की तरफ जा रहे हैं, जो कि लंदन का एयरपोर्ट है। Do la la la.
आउट ही येलो कलर इस फ्लाइट में हमें लंच में मिला था मैश्ड पोटैटोज विद बीफ पैटी थी और ये बहुत मज़े का था। साथ में ब्रेड थी, स्वीट थी और सैलेड और इस किस्म की काफ़ी सारी चीज़ें थी, साथ में जूसेस वगैरह और चाय कॉफ़ी भी। जी काफ़ी सारा मुझे तंग करने के बाद और 10-15 चक्कर वॉशरूम के लगाने के बाद बच्चे जो हैं वो सो गए और मैंने उनके ऊपर ब्लैंकेट कर दिए। बड़े सुकून से सो रहे हैं और मैं पढ़ रही थी सूरह अज़ुहा, जिसकी उस पे नाम पे मैंने जुहा का नाम रखा है और मेरी फ्रेंड कहती है कि इसको जुहा बुलाया करो, जुहान। तो ये इतनी ज़बरदस्त सूरत है, इसका तर्जुमा पढ़ें तो ऐसे दिल को सुकून आ जाता है। तो ये मैं पढ़ रही थी जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो वो मेरे पास क्लिप नहीं है, वो नवीद के पास क्लिप है। अगर उनसे मुझे मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।